हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन। आज हम आपके साथ फिर से एक बंगाली रेसिपी शेयर करने वाले हैं, चिंगड़ी मलाई करी यानी प्रॉन मलाई करी। ये बहुत ही ऑथेंटिक डिश है और बंगाली फैमिलीज में कोई भी ओकेशन हुआ या फेस्टिवल हुआ तो मलाई करी बनता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मलाई करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिंगड़ी फिश लिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाले हैं हमने चिंगड़ी में। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा तेल डालेंगे। हम यहाँ पर सरसों तेल यूज़ कर रहे हैं, करीब 1/2 चम्मच हमने सरसों तेल डाले हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। सारे प्रॉन्स में मसाले को हमें अच्छे से लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे प्रॉन्स में लग चुका है मसाला, तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नारियल के टुकड़े हैं। इन नारियल के टुकड़ों से हमें दूध निकालना है और हमने यहाँ पर एक बड़ा सा प्याज लिए हैं और एक बड़ा टमाटर लिए हैं। इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। अब हम एक मिक्सर जार में नारियल पीसेस को डाल देंगे। हम यहाँ पर बड़ा वाला जार यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एक पूरा नारियल यूज़ किए हैं। अब हम पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एक बार घुमा लेंगे। उसके बाद करीब 1 गिलास पानी डालकर हमें इसका दूध निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम इसको छान लेंगे और इसको प्रेस कर दूध निकाल लेंगे। हमें 1/2 किलो प्रॉन में करीब 200 ml नारियल दूध चाहिए। इस तरह से स्पून के हेल्प से प्रेस करने से सारे दूध निकल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध निकल गया है। अब हम इसको कवर करके साइड में रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर का पेस्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। हम 2 टेबलस्पून तेल यूज़ करेंगे और सरसों तेल ही यूज़ करेंगे। तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम सारे प्रॉन्स को तेल में डाल देंगे। आप अगर चाहे तो तेल ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तेल, नमक और मिर्च जो है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आपको जैसे पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉन्स को जो है ज़्यादा फ्राई नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो सिर्फ इसे हल्का ही फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट के लिए हमें दोनों तरफ से फ्राई करना है और इसको निकाल लेना है। प्रॉन्स को जो है आप घी या बटर में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो घी बटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली हमें सरसों ऑयल में फ्राई ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सरसों का जो फ्लेवर है वो प्रॉन्स में आते हैं, तो प्रॉन्स का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ा देता है। तो ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी तेल या बटर या घी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हल्का फ्राई हो चुका है, तो अब हम सारे प्रॉन्स को प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम तेल में डालेंगे 2 तेजपत्ता, 4 हरी इलायची और 4 लौंग। कुछ सेकंड के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। अब इससे बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। अब हम इसमें पेस्ट किया हुआ टमाटर और प्याज डाल देंगे। फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर को बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। हमें तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज और टमाटर का जो पानी है वो अच्छे से सूख ना जाए। ये
देखिए फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर का जो पानी है वो सूख चुका है। हम करीब 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही इसे फ्राई किए हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। फ्रेंड्स, 5 मिनट तक हमने इसे फ्राई किए हैं। तेल और मसाला अलग हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे और फिर से इसे फ्राई करेंगे। मसाले को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट फ्राई करने के बाद ही हम इसमें प्रॉन्स डाल देंगे। अभी हम फ्राई किया हुआ प्रॉन्स को मसाले में डालेंगे और मसाले के साथ प्रॉन्स को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्रॉन्स और मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। नारियल दूध हमने पहले ही तैयार करके रखे थे, करीब 200 ml दूध है, 200 ml दूध हम पूरा डाल देंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और बॉईल आने के बाद इसको कवर कर देंगे। प्रॉन्स को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में हम कुक करेंगे। चार मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम लिड ओपन करेंगे और एक बार हम स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3-4 ग्रीन चिलीज डालेंगे, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी देने से इसमें जो फ्लेवर है घी का काफ़ी अच्छा आता है, तो फ्रेंड्स घी को स्किप मत कीजिएगा। अब हम इसे कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद हम लीड को ओपन करेंगे। हमारा प्रॉन मलाई करी बनकर तैयार है। अब हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स करके फीडबैक दीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय एंड टेक केयर।